गाइस, गदर 2 को रिलीज होने के लिए अब कुछ ही दिन बचा हुआ है। वहीं फैंस इस फिल्म के लिए अपने पलके बिछाए बैठे हैं। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, वैसे वैसे फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि इस मूवी का एक सॉन्ग ऊर्जा काले कावर रिलीज किया गया था। तो अब की बार सोशल मीडिया पर तारा सिंह और सकीना की बहू बनने वाली सिमरत कौर को ट्रोल किया जा रहा है। सनी देओल 22 साल बाद गदर 2 में तारा सिंह के रोल करने वाले हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स को सिमरत कौर की कास्टिंग की तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिमरत कौर बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिस कारण लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। श्री अमीषा पटेल इन दिनों अपनी आगामी फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में चल रही हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सिमरत कौर की स्क्रीन प्रेजेंस को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। जो कि अभिनेत्री सिमरत कौर ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है, वहीं उनके अपोजिट उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि ऐसी साफ सुथरी फिल्म में सिमरत कौर को क्यों कास्ट किया गया है। इस पर अमीषा पटेल ने सिमरत के बचाव के लिए लिखा कि अरे मेरे प्यारे फैंस, कृपया ये सब बंद करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि 11 अगस्त को सिनेमा घरों में गदर 2 देखें और अपना सारा प्यार दें। ऐसा करने के कारण अमीषा को सिमरत की जगह ट्रोल किया जा रहा है। तो गाइस, इस बात पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम आपसे गदर 2 के एक नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड